हर दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों एक भाई ने मुझे काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई मैं रात में मशीन के ऊपर सोया हुआ था लेकिन मशीन के ऊपर से नीचे गिर गया है। तो जो भी मेरे भाई अभी नए नए अभी ऑपरेटर बने हैं और अभी जैसे भी सीख रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि भाई कभी भी नाइट में कभी भी कहीं भी रुकना हो या फिर मशीन के पास सोने के लिए आपको ऑपरेटर कहता है कि हाँ मशीन के पास रुको और मशीन के अंदर ही सो, ऐसा बोले ना, तो लाइफ में कभी भी गलती से भी मशीन के टब के ऊपर कभी भी ना सोए। क्योंकि एक भाई ने मशीन के टब के ऊपर सोकर ऊपर से रात में नींद में क्या कुछ हो जाए पता नहीं चलता ना भाई, तो टब के ऊपर सोया हुआ था लेकिन ऊपर से नीचे गिर गया, तो इसकी वजह से ना भाई थोड़ा उसको चोट लग गई है। तो ध्यान रखिए भाई, अगर रुकने का टाइम आ गया तो आप मशीन के अंदर सो सकते हो, सीट के नीचे जगह बहुत रहती है यार, तो इसके वजह से मशीन के अंदर कैबिन के अंदर ही सोना चाहिए। कभी भी टब के ऊपर बिल्कुल भी ना चढ़े और उसके ऊपर बिल्कुल भी सोने का तो नाम ही नहीं निकालना चाहिए, कभी मशीन के ऊपर ना नहीं सोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी मेरे नए नए अभी ऑपरेटर बने हैं और नए नए अभी जेसीबी सीख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि मशीन के टब के ऊपर बिल्कुल भी ना सोए, बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।